नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा सरकार में प्रदेश में हर रोज 3 मर्डर और 7 डकैती हो रही है। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता दुष्यंत चौटाला का नेतृत्व चाहती है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तेल तो केवल जेजेपी के दिए में है और भाजपा का पिछेतर पार का नारा ना तो नो मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बढ़ते अपराध के लिए प्रदेश में कमजोर नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा में हर रोज 3 मर्डर और 7 डकैती हो रही है। महिलाएं घर से निकलते हुए डरती हैं। यह बात उन्होंने मंगलवार को यहाँ देवीलाल सदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। दिग्विजय सिंह चौटाला विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भवानीखेड़ा हल्के में अनेक गाँव में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के सुख दुख में शरीक हुए। दिग्विजय सिंह चौटाला ने रणजीत सिंह चौटाला द्वारा महागठबंधन किए जाने की सलाह पर कहा कि आज जेजेपी 1 साल से भी कम समय में विशाल परिवार बन चुका है। गठबंधन का फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा, लेकिन आज प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा जनता दुष्यंत चौटाला का नेतृत्व चाहती है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दुष्यंत चौटाला की लड़ाई अभी भी जारी है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जननायक जनता पार्टी स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर पिछले 1 वर्ष के अंदर एक विशाल परिवार, और 1 वर्ष से भी कम समय हुआ, एक विशाल परिवार बन चुका है। दुष्यंत चौटाला जी की जन चौपाल और विभिन्न पार्टी का जो विस्तार हुआ और उसके हिसाब से जो अंग बने, उनके विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश के कोने कोने में चल रहे हैं। आज एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नाम जेजेपी है, दुष्यंत चौटाला है। ऐसे समय पर ये तो मैं नहीं कह सकता कि राजनीति में कल क्या हो जाए, ये अनप्रेडिक्टेबल है। एक तो क्रिकेट का गेम है, एक राजनीति। आज की परिस्थिति में हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा का नेतृत्व करें और वैकल्पिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस मुहिम को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। अब ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय करना है कि क्या हम किसी अलायंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं ये मानता हूँ एक कार्यकर्ता होने के नाते कि जेजेपी जो है वो स्वयं एक विशाल पार्टी बन चुकी है, एक विशाल परिवार बन चुका है और हरियाणा के लोगों का की बार फिर से नया सत्र शुरू होगा, क्या मांग करोगे? मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार सरकार अपने कमिटमेंट पर, जो ने वादा हरियाणा प्रदेश के स्टूडेंट से किया था कि डायरेक्ट चुनाव होंगे, उसको निभाएगी। और जननायक जनता पार्टी की जो स्टूडेंट इकाई है, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना पहला चुनाव इस डायरेक्ट चुनाव के अंदर लड़ेगी और जीतेगी। हरियाणा प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए जो संघर्ष किया, स्टूडेंट डेमोक्रेसी की बहाली के लिए जो संघर्ष इनसो ने किया है, स्टूडेंट उस पर मोहर लगाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि कावड़ियों के लिए क्या सुरक्षा के प्रबंध हैं, मगर प्रदेश के अंदर आम हरियाणवी के लिए, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, आज अपने घरों से बाहर निकलना, जो डर और जो खौफ का माहौल आज हरियाणा में बना हुआ है, मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर डॉक्टर की हत्या हो जाती है, फरीदाबाद के अंदर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, हरियाणा 27वें रैंक पर है महिला को सुरक्षा देने के नाम पर, और महिला के खिलाफ अपराध में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। हर रोज 3 मर्डर, हर रोज 7 डकैती के मामले हरियाणा में हो रहे हैं। पिछली सरकारों से अगर मैं इसका आंकलन करूं तो नेशनल क्राइम ब्यूरो का ग्रोथ रेट जो है क्राइम का, 10% बढ़ चुका है। कमज़ोर नेतृत्व और पुलिसिया तंत्र जो है वो बेलगाम हो चुका है। असामाजिक लोगों के साथ मिलकर के आज पुलिसिया तंत्र करप्ट हो चुका है। ऐसे समय पर हरियाणा, मैं समझता हूँ कि अपने सबसे बुरे दौर में क्राइम के तौर पर गुजर रहा है, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम निरंतर मुहिम छेड़े हुए हैं।
भाई साहब आपको वही किया जाएगा जिसमें फेल होगा यानी बीजेपी है। तो फिर तो ये तय है, मैंने जैसा कहा कि जो संघर्षरत है, जो प्रयासरत है, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके टीवी चैनल भी आजकल किसी की खबर चला रहे हैं, लोगों के बीच में कोई जा रहा है तो वो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो तेल किस दिए में है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मगर 75 पार का सपना कुछ इस तरह है कि ना राधा नाचेगी और ना नोमन तेल होगा। तो ये तो ख्वाब ये देखना भूल जाएं, 75 पार नहीं, बीजेपी विधानसभा से बाहर, ये लोगों ने मन बना लिया, ये फैसला कर लिया और आने वाले समय पर अपना फरमान हरियाणा प्रदेश की जनता अक्टूबर में सुनाएगी।